स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन जो आपका 9th क्लास का हुआ है, मैथ्स का पेपर था, 2023-24 सेशन, मॉर्निंग सेशन का पेपर था एंड मॉर्निंग सेशन के जो पेपर हैं और इवनिंग सेशन के पेपर की डिफरेंट टाइमिंग्स है, डिफरेंट एंड डिफरेंट डेट्स भी हैं। तो ये पेपर इवनिंग शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज जो जो टॉपिक इसमें आए हैं उससे डिफरेंट टॉपिक ही आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको वो वाले तैयार अपने रेडी रखने हैं। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर आपने अभी देख के आए, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का 2 बजे से आपका 5:30 बजे तक का एग्ज़ाम था। तो आपका पेपर कैसा गया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा गया बुरा गया। बस पहले ही जो बिकॉज फर्स्ट पेपर आपका मैथ्स ही हो गया एंड मैथ्स कुछ बच्चों को टफ भी लगती है, इजी भी लगती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया पूरा। एंड नेक्स्ट वीडियो और आपका अगर कोई भी सैम्पल पेपर्स वगैरह की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आपको वो आप देख सकते हैं, एक बार आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। पूरे क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब हमारे चैनल पे डाल रखे, तो उससे और आपकी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन उठ के नहीं आ जाते डायरेक्ट आपको। क्वेश्चन इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश का पेपर आया हो तो अभी आपका 20 को ST का पेपर है उसके लिए हेल्पफुल होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने वीडियोस डाल रखे तो आप वो देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।